हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं उठ चुका हूँ, अभी आई नमन भैया की कॉल, तो मैं चलता हूँ जिम। तो गाइस मैं रेडी हो गया हूँ, चलते हैं जिम। तो गाइस मैं आ गया हूँ जिम, मैंने स्कूटी पार्क कर दी है, चलते हैं जिम के अंदर। गाइस ये है जिम, ये जिम की एंट्रेंस, ये जिम ओनर भैया नमन भैया, रोकी 11th सर्टिफाइड प्रॉपर। बात करते हैं इनसे जिम के बारे में, भैया से बात करते हैं जिम के बारे में, जानते हैं मशीनों के बारे में, फिर भैया से रेट के बारे में, प्रॉपर जितना भैया का शेड्यूल है उसके बारे में बात करते हैं, आप लोग को बताते हैं। भैया को लेते हैं साथ में और चलते हैं जिम में आगे, साथ में जिम में आगे। ट्रेडमिल है इसको, सिर्फ रनिंग वगैरह होती है। हाँ ये ट्रेडमिल, इसमें रनिंग करना है और अगर आपको वेट लॉस करना है तो इसको कम से कम 20 से 25 मिनट कंटिन्यू करना पड़ेगा विदाउट एनी पॉज। की बात सुन लीजिए, अब चलते हैं आगे। भैया ये इस मशीन का क्या वर्क होता है? ये प्रेस मशीन है, इंक्लाइन चेस्ट प्रेस, इसे अपर चेस्ट हम लोग टारगेट करते हैं। चेस्ट अच्छा करना है, अगर आपको अपर चेस्ट अच्छा करना है तो आपके जिम में जो भी इंक्लाइन चेस्ट प्रेस मशीन हो उसका इस्तेमाल करें। तो गाइस भैया की बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये भैया जितना भी बोल रहे हैं, इस भैया की बॉडी आप देख लीजिए, भैया की प्रॉपर बाइसेप्स वगैरह सभी बिल्कुल टाइट हो रखे हैं। आगे भैया इस मशीन का क्या वर्क है जो दीदी कर रही हैं? जो मैम ये वर्कआउट कर रही हैं, ये लॉन्ग पुल मशीन बोलते हैं इसको, और ये आपके अपर लैट्स को टारगेट करता है, बैक के अपर लैट्स को। तो ये कुछ इस प्रकार से प्रॉपर वे में कर रही हैं मैम। और प्रोटेक्टेड फ्लाई है, इससे आपका मिडिल चेस्ट टारगेट करता है। कितने से कितनी देर करनी चाहिए ये आपको? 3 सेट में, अगर आपको गेनिंग करना है तो 12 से 15 काउंट हैवी वेट पे करेंगे, अगर आपको वेट लॉस करना है या फिर मसल्स को स्ट्रेट करना है तो आपको रेपिटेशंस बढ़ाने पड़ेंगे। ये कुछ भैया एक बार करके दिखा सकते हैं, ये मतलब कैसे प्रॉपर वे कैसा है? भैया से जानते हैं भैया कैसे कर रहे हैं। कम करके रख लो, लेके आएंगे जैसे फ्रंट लेके आएंगे तो चेस्ट को स्क्वीज करेंगे स्लोली बैक और हैंड्स को फोल्ड कर देंगे। यहाँ से वेट सेट भी कर सकते हैं, ये पिन निकाल के अंदर प्रेस होती है। हम लोग नेक मशीन पे, भैया इसका क्या वर्क होता है? ये आपकी लैट पुल डाउन मशीन है, इससे हम लोग अपर लैट्स को डायरेक्ट करते हैं, इसकी वर्किंग मैं करके दिखाता हूँ। तो ये नीचे से भैया ने एडजस्ट कर लिया है, भैया प्रॉपर वे में करके दिखा रहे हैं, ये प्रॉपर वे है। भाई कितने से कितनी देर करनी चाहिए, कितने सेट करने चाहिए? ये अगर आपको मसल्स गेनिंग करनी है, वेट ट्रेनिंग करना है, तो आपको इसके 10 से 12 काउंट होना चाहिए, आपका वेट इस पे हैवी रखना चाहिए। तो चलते हैं आगे। और भैया ये इस पे तो कुछ लगा नहीं रखा है, तो ये किस काम के लिए आती है? ये आपकी वर्टिकल नी रेज है, ये आपके लोअर बेली फैट के लिए इस्तेमाल करते हैं और क्रंचेस करते हैं। और भैया ये जस्ट आपके पीछे रखी हुई है जो मशीन, इसका क्या वर्क है? ये हमारी लेग के लिए लेग कर्ल एंड लेग एक्सटेंशन मशीन है, इससे लेग्स को टारगेट करते हैं। तो भैया ये क्या आप बता सकते हैं आप कितनी देर कर सकते हैं इसको और कितनी देर तक करना सही रहेगा? ये मैं वही बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, अगर आपको लेग्स का साइज बड़ा करना है तो 10 से 12 काउंट वेट हैवी। गाइस चलते हैं आगे। ये इसके बगल में ये रखी है, उसका क्या नेम, क्या पहले इसका नेम बता दीजिए? ये हमारी शोल्डर प्रेस मशीन है, और भैया इसका क्या मतलब, क्या इससे क्या होता है भैया? इससे हम लोग शोल्डर को डायरेक्ट करते हैं। भैया एक बार तैर के दिखा दीजिए। तो भैया कर रहे हैं प्रॉपर वे में, ये साइड से वेट एडजस्ट होता है जहाँ पे पिन लगा रखी है, और ये प्रॉपर वे है लेग्स को ऐसे। ओके ओके भैया। तो गाइस ये ओवरऑल जिम, तो ये भैया नेक्स्ट मशीन है, इस पर तो कुछ भी नहीं लगा हुआ है, इसका क्या यूज़ होता है? ये आपकी स्पिन मशीन है और स्क्वाड रैक है, और भैया लेग स्क्वाट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और स्मिथ मशीन का इस्तेमाल चेस्ट के लिए, शोल्डर्स के लिए, बैक के लिए, कई सारी चीज़ों के लिए करते हैं। ओके भैया तो फिर चलते हैं हम लोग। मतलब भैया ये आपके यहाँ पे वेट रखा हुआ है, टोटल अप्रॉक्स कितना वेट है आपके पास? हमारे पास 600 किलो वेट है और मैक्सिमम जो डंबल है वो 30 केजी का है। अप्रॉक्स यहाँ पे शायद सबसे ज़्यादा वेट है अदर जिम के अकॉर्डिंग, इस एरिया में जितने भी जिम है सबसे ज़्यादा वेट इसी जिम में है। और ये
जस्ट आपके पीछे जो बॉडी बिल्डर गुरु जी दिख रहे हैं, ये हमारे गुरु जी हैं, ये नेशनल पावर लिफ्टर हैं और स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ यूपी। भैया ये है स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ यूपी हैं, तो ये काफ़ी खेल भी चुके हैं। भैया बॉडी दिखा सकते हैं आप? नहीं आप भैया की बॉडी भाई साहब एकदम एकदम टाइट हो रही, एकदम एकदम। भैया एज कितनी भैया? 43। भाई आप मतलब आप एज देख लीजिए और भैया की बॉडी देख लीजिए। तो चलते हैं आगे जानते हैं। तो भैया इनके बारे में कुछ बताइए, भैया की बॉडी कैसे दिख रही है? ये अभिषेक है, ये हमारे जिम के पावर लिफ्टर हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने नेशनल पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल लिया था। अपनी ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। भैया एक बार बॉडी दिखा सकते हैं अपनी आप? भैया स्लीप से एक बार हटा के दिखाइए। ये है भैया की बॉडी और टेस्ट करके देखते हैं। ये तो एकदम पत्थर हो रखी है भैया की बॉडी। तो गाइस चलते हैं आगे, यहाँ पे बेंचेस भी हैं काफ़ी सारी और चलते हैं उस मशीन की तरफ। ये नेक्स्ट मशीन देखिए, इसका क्या वर्क होता है? ये फंक्शनल ट्रेनर मशीन है, इसमें लोग मल्टीपर्पज़ एक्सरसाइज कर सकते हैं, चेस्ट का, बैक का, शोल्डर्स का, आर्म्स का। तो ये मल्टीपर्पज़ मशीन है और भैया ये लगे भी हुए हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। ये भैया चिनअप्स कर रहे हैं पे और ये भी लगा हुआ है। इसका क्या वर्क होता है भैया? इसका हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको सिंगल एंड आर्म्स करना है तो इसका इस्तेमाल करके कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये बाइसेप्स के लिए भी यूज होता है, हो जाएगा। अगर इसकी नॉक को ऊपर लेके तो ये एडजस्टेबल भी है, आप इसको बैठ के बैक के भी ले सकते हैं। तो भैया करके दिखा रहे हैं। ये है ओवरऑल मशीन, मल्टीपर्पज, इससे काफ़ी सारी एक्सरसाइज एक साथ हो जाती हैं। भैया के साथ में मशीन रखी है, उससे क्या यूज़ होता है? ये हमारी लेग प्रेस मशीन है जो 45 डिग्री एंगल पर सेट है, उसके तरीके से करते हैं। तो भैया करके बता रहे हैं, अभी वेट नहीं लगा रहा है, अभी उससे एलिवेटर्स पे वेट नहीं लगा हुआ है। ये प्रॉपर वे है लेग प्रेस करने का। तो भैया इस पे कोई हाई रिकॉर्ड भी है क्या यहाँ जिम का? हाँ, 600 किलो तक वेट लड़कों लगा के इसको उठाया। तो इसका हाई रिकॉर्ड है 600 किलो। भैया ये किसने किया था बता सकते हैं कुछ? ये अभिषेक कटिया जो हमारे जिम के पावर लिफ्टर है। तो प्रेजेंट है यहाँ पे क्या? अच्छा यही अभिषेक भैया है जो एक बार हाई करिए जिम में, यही है पावर लिफ्टर यहाँ जो जिन्होंने 600 kg लगा के उठाया था। एक ये मशीन रखी हुई है जिसमें सिर्फ खाली रॉड लगी हुई है, इससे क्या होता है? ये फ्लैट बेंच चेस्ट प्रेस मशीन है, और इसमें हम लोग बारबेल प्रेस करते हैं और इसे डंबल प्रेस भी कर लेते हैं इस मशीन को। भैया ये इससे क्या मतलब मेन प्रॉफिट क्या है इसको करने से? इससे हमारा मिडिल चेस्ट हिट करता है, टारगेट करते हैं। चेस्ट के 3 पार्ट्स होते हैं, अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट, मिडिल चेस्ट। ये मिडिल चेस्ट के लिए है। भैया इसको ये बात बता सकते हैं कि मतलब इसको हम लोग कितनी देर कर सकते हैं, कितनी देर करना ठीक रहेगा, और अगर कितनी देर तक करते हैं तो मतलब बॉडी में गलत वैसे ये इसको कितनी देर करना ये कहना गलत होगा। क्या नीड है आपकी उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। अगर आपको मसल्स गेनिंग करना है तो इसका वेट हैवी लगा करके 10 से 12 काउंट 4 से 5 सेट करने हैं। अगर आपको वेट आपके मसल्स को स्ट्रेट करना है तो आपको एक मीडियम वेट लगा करके मैक्सिमम रेपिटेशंस यूज़ करने हैं। मतलब भैया मैं मेन ये पूछना चाहूँगा कि कितना वेट लगाना इसमें सही होगा? ये आपकी बॉडी के स्टेमिना के ऊपर डिपेंड रहता है कि हम कितना वेट उठा सकते हैं, आपकी बॉडी का अलग अलग टाइप होता है। ओके भैया फिर चलते हैं नेक्स्ट। भैया ये एक रखी हुई है जिसपे वेट लगा हुआ है दोनों तरफ, इससे क्या होता है भैया? इससे हमारा अपर चेस्ट। भैया मशीन का नेम क्या है, पहले इस मशीन का नेम बता दीजिए। ये इंक्लाइन चेस्ट प्रेस बेंच है। और भैया इससे क्या अपर चेस्ट को टारगेट करते हैं? और भैया एक बार इसको आप करके दिखा सकते हैं क्या? तो भैया करके दिखा रहे हैं। ये भैया ने होल्ड की रॉड प्रॉपर वे बिल्कुल। ये प्रॉपर वे है। तो इस भैया ने जैसे करके दिखाया है ये बिल्कुल प्रॉपर वे है। लोअर चेस्ट का एक और होता है भैया बता रहे हैं। तो ये मशीन एक और रखी हुई है, इसको बोलते हैं डिक्लाइन बेंच, इससे हमारा लोअर चेस्ट टारगेट करते हैं। तो इसको डिक्लाइन मशीन बोलते हैं भैया। तो एक बार मुझे आप करके दिखा सकते हैं भैया? इसको करके दिखा रहे हैं।
है प्रॉपर वे। तो जैसे भैया ने किया यही है प्रॉपर वे। जिम में कुछ खाली एरिया दिख रहा है पर्दे के पीछे, चलते हैं उधर। वो जो खाली एरिया दिख रहा है भैया, इस एरिया का क्या यूज है? इतना एरिया आपने स्पेस छोड़ रखा है? मैंने छोड़ रखा है कार्डियो सेशन के लिए, जो गर्ल्स कार्डियो करती हैं, एब्डोमिनल करती हैं, उनके लिए। और भैया ये काफी सारे डब्बे रखे हुए हैं, इसका क्या यूज है? ये जो बॉक्स हैं हर्बल नेचुरल लाइफ के हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब एक और है? हाँ, यहाँ पर ही जिम में ही इसी स्पेस पे हम लोग शेक भी बना करके बच्चों को देते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं लेने के लिए। तो भैया इसको पीने से कोई दिक्कत नहीं होती बॉडी पे? इसको पीने से दिक्कत नहीं, इसको पीने से फायदा ही होता है, क्योंकि इसको लेने से हमारी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन जाते रहते हैं। अच्छा, तो बिल्कुल मतलब ये नेचुरल चीज है? हाँ, ये बिल्कुल नेचुरल चीज है। तो आप देख सकते हैं भैया के पास सभी रखे हुए हैं, इससे बॉडी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है और इससे बॉडी पे प्रॉफिट ही आता है और बिल्कुल नेचुरल तरीके से बना हुआ है। तो चलते हैं आगे। अब आपको एक बार प्रॉपर जिम का व्यू दिखा देते हैं। इस पे पंचिंग बैग भी लगा हुआ है जिम पे। ये प्रॉपर जिम है, जिम काफी बड़ी है, इस एरिया की सबसे बड़ी जिम है ये। तो मिरर पे लगे हुए हैं यहाँ पे काफी सारे। तो चलते हैं भैया के पास, बात कर लेते हैं कुछ रेट की, मतलब कोई भी मेरे पास बात कर लेते हैं प्राइस की, मतलब कोई भी बंदा अगर भैया करना चाहता है प्रॉपर तो उसका क्या चार्ज आएगा, मुझे आप प्रॉपर वे में बता दीजिए। बात करते हैं भैया, एक बार मुझे आप रेट बता दीजिए, मतलब जैसे कोई भी मेरा भाई या करना चाहता है जिम तो क्या प्राइस रहेगा? इसकी जो जिम का पैकेज है वो 1000 रुपीज में आपका कंप्लीट जिम पैकेज रहता है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो दुबले होते हैं। तो भैया मुझे आप ये बता सकते हैं 1000 में क्या क्या मिलेगा? 1000 में आपका कार्डियो प्लस मसल ट्रेनिंग दोनों ही रहेगा। कार्डियो मतलब जिससे मतलब वेट कम होता है? कार्डियो का यूज वेट कम करने में भी करते हैं और बॉडी वार्म अप करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और भैया और आप बता रहे थे कुछ? हाँ, और बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे आते हैं जो इतना नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, वो कहते हैं भैया मुझे कार्डियो नहीं चाहिए, तो उनके लिए फीस 600 ओनली। तो भैया ने सभी का ध्यान रखते हुए उनका भी ख्याल रखा है, उनके लिए भी फीस कम कर रखी है 600 रुपीज सिर्फ। हाँ जी भैया, और आपका पर्सनल ट्रेनिंग का कुछ बता दीजिए। जो मेरे पर्सनल ट्रेनिंग का चार्जेस है वो 4000 पर मंथ है, जिसमें 22 सेशन प्रोवाइड करता हूँ कैंडिडेट को। तो भैया क्या गर्ल्स बॉयज का अलग चार्ज पड़ता है क्या भैया पर्सनल ट्रेनिंग का? नहीं, दोनों का सेम चार्जेस रहते हैं। तो भैया आप तो सिर्फ मतलब मुझे सिर्फ ट्रेनिंग के लिए आप ही दिखाई दे रहे हैं, तो क्या गर्ल्स के लिए भी आप ही कराते हैं क्या? मतलब गर्ल्स की ट्रेनिंग के लिए मैंने फीमेल ट्रेनर यहाँ पे आती है मैं शाम को। तो भैया के पास प्रॉपर मतलब कितने ट्रेनर हैं? हमारे 5 ट्रेनर हैं जिम में। तो उसमें कितने से मेल हैं कितने फीमेल हैं? इसमें 4 मेल हैं 1 फीमेल है। और भैया आपने 4000 का जो पैकेज बताया था उसमें क्या कोई प्रोटीन वगैरह भी मिलता है? नहीं, उसमें सिर्फ आपको वर्कआउट कराया जाएगा, ट्रेनर की फीस रहती है सिर्फ वो, और प्रोटीन अगर आपको यूज करना है तो उसके चार्जेस अलग से रहते हैं। तो भैया आपके पास सारे प्रोटीन भी है प्रॉपर? हाँ, सारे प्रोटीन मिल जाते हैं यहाँ पर। तो भैया आपके पास कौन कौन सा प्रोटीन मिलेगा और क्या किस रेट तक मिलेगा और कौन सा बॉडी के लिए अच्छा रहता है? देखिए रेंज हमारे पास बहुत सारी है, सब आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग ऑन का यूज करना चाहते हैं, कोई डिवाइन न्यूट्रिशन का यूज करना चाहता है, कोई डायमेटाइज का यूज करना चाहता है, बहुत सारे लोग डॉक्टर चॉइस भी यूज करते हैं। मेडल वगैरह भी रखे हुए हैं, ट्रॉफीज वगैरह। हाँ, जो हमारे यहाँ पावर, अभी मैंने आपको एक पावर लिफ्टर सर से मिलाया था, वो उन्होंने पावर लिफ्टिंग में ये ट्रॉफी ली है, जीती है। अच्छा, तो ये उन्हीं अभिषेक भैया की ट्रॉफी है? अभिषेक भैया की है, मोहित वर्मा सर की है, यूपी पावर लिफ्टर है। तो भैया आपकी ट्रेनिंग क्या मतलब आपकी जो जिम है वो बाहर खेलने के लिए भी जाती है क्या? हाँ जी, जो हमारे जिम के मेंबर्स हैं वो बाहर भी पावर लिफ्टिंग खेलने के लिए जाते हैं। जैसे बात करिए काफी अच्छा लगा। तो भैया जिस भाई को भी मतलब जिम से कांटेक्ट करना है तो भैया का मैं नंबर लिंक पे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा और भैया को सीधा कॉल कर सकते हैं। भैया से मिलते हैं, चलते हैं फिर घर। भैया निकलते हैं हम लोग घर, भैया से तो मिल लिया है, अब चलते हैं घर। जिम गोवा गार्डन पे है, क्रॉसिंग से जैसे एंटर करेंगे लेफ्ट साइड पे जिम है, और जिस भाई को भी जिम करना है तो उस पर आ सकता है, फीस बिल्कुल नॉर्मल है। तो गाइज हम लोग जिम से आ गए हैं घर और मैंने ड्रेस भी चेंज कर ली है। और गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।